नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मामले को क्वेशिंग से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं, जिस जजमेंट के जरिए पतियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, एक ऐसा फैक्ट बताया गया है जिसकी वजह से अगर पति चाहे तो अपने ऊपर भी लगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को क्वैश करा सकता है। तो ये जो जजमेंट आया है पतियों के पक्ष में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आया है और इस जजमेंट के जरिए पतियों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो इस जजमेंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। मेरा जो सेकेंड चैनल है जिसका नाम है लॉ मंत्रा, उस पे मैंने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक पत्नी ने किस प्रकार से अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद जो कोर्ट था इस चीज को समझ गया कि जो पत्नी है पति को परेशान करने के लिए जो मुकदमा दर्ज कराई है और इस वजह से जो कोर्ट था उसने पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप लोग देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए आज अब हम जजमेंट के बारे में बात कर रहे थे उसे समझ लेते हैं और उस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप झूठे मुकदमों से परेशान हैं और ऐसे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप में मैं खुद आपको गाइड करूंगा, आपको टिप्स दूंगा, अन्य मुकदमे से संबंधित जानकारियां दूंगा, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब दूंगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और ऐसी बहुत सारी मुकदमे से संबंधित आपकी जानकारी से संबंधित उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से उस ग्रुप से जुड़ सकती हैं और हमसे जुड़ के और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो देखिए आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को क्वेशिंग से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो अलोक लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है कि वो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, उससे दहेज मांगते हैं 15 लाख रुपए और फ्लैट की मांग करते हैं, उसे मारपीट के घर से भगा दिए हैं और इन सब आधारों पे जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 506 और 34 IPC में FIR दर्ज करा देती है। जब मामला दर्ज हो जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं क्वेशिंग के लिए हाईकोर्ट जाते हैं और वहां पे पति और पति के घर वालों की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप हैं, विशिष्ट किस्म का कोई आरोप नहीं लगाए हैं, जो भी आरोप हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। साथ ही साथ पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पति है उसने अपनी पत्नी के केस करने से पहले ही डाइवोर्स का केस कर दिया, यानी विवाह विच्छेद का केस किया और जो ससुर थे उन्होंने भी पत्नी के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया है, यानी ये जो दो मुकदमे पति के पक्ष की तरफ से दर्ज हो गए डाइवोर्स का और ससुर ने जो आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था उसके बाद पत्नी ने ये 498A का और जो भी धाराएं लगा के कंप्लेन की है वो कराई है, यानी काउंटर है और सिर्फ परेशान करने के लिए प्रताड़ित करने के लिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ पति की तरफ से ये भी तर्क दिया जाता है कि पत्नी का खुद पति के साथ रहने का मन नहीं है, वो खुद नहीं रहना चाहती है और एक झगड़ालू महिला है और साथ ही साथ वो अपने पति के साथ चैन से नहीं रहना चाहती है, इसी वजह से पति ने क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स का मुकदमा लगाया और उसी मुकदमे को वापस कराने के लिए पति पक्ष को परेशान करने के लिए पत्नी ने यह 498A का मुकदमा दर्ज कराया है। यानी ये जो 498A का मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ प्रतिशोध के कारण दर्ज हुआ है और पति और पति के घर वालों को परेशान करने के कारण दर्ज हुआ है।
और इस वजह से ये जो मुकदमा है उसे क्वैश कर दिया जाए यानी रद्द कर दिया जाए। उसके बाद जो पत्नी पक्ष के वकील होते हैं यानी सरकारी वकील होते हैं उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पति और पति के घर वाले हैं पत्नी को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, क्रमिक अपराध उसके साथ हुआ है और ऐसे में बहुत सारी बातें कहते हैं और निवेदन करते हैं कि जो क्वैशिंग एप्लीकेशन है उसे खारिज कर दिया जाए। उसके बाद जो कोर्ट होता है सारी चीजों को देखता है, पूरे मामले को देखता है, तो उसमें भी कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है, कोई विशिष्ट किस्म का आरोप नहीं है और उन सब आरोपों के आधार पे दहेज का मांग का या फिर उत्पीड़न का कोई गंभीर मामला नहीं बन रहा है। और साथ ही साथ पत्नी जो है वो पति के साथ खुद नहीं रहना चाहती है, खुद घर छोड़ के आ गई। और उसके बाद जब पति ने डाइवोर्स का मुकदमा लगा दिया और ससुर की तरफ से एक और आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया तो उसी के प्रतिशोध में पत्नी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। और फैक्ट से यही चीज हमें पता चलता है कि प्रतिशोध के कारण पत्नी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और पत्नी खुद नहीं पति के साथ रहना चाहती है। और ऐसे में जो हाईकोर्ट होता है पत्नी के 498A के केस को क्वैश कर देता है यानी रद्द कर देता है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने को मिल रही है और पतियों को जानने को मिल रही है कि देखिए अगर आपकी भी पत्नी ने प्रतिशोध वश कोई आपके ऊपर मामला दर्ज करा दिया है, कोई केस दर्ज करा दिया है, तो आप ऐसे मामले को क्वैश करा सकती है। आपको हाई कोर्ट में सिर्फ यही चीज साबित करना होगा कि आपकी पत्नी ने प्रतिशोध के कारण ये मामला दर्ज कराया है और ये फैक्ट अगर हाई कोर्ट में आप साबित कर देते हैं तो ये गारंटी है कि आपका जो मामला है वो क्वैश हो जाएगा, जैसा कि इस मामले में हुआ है। तो अगर आपका भी मामला ऐसा ही है, फैक्ट आपके भी ऐसे हैं, तो आप क्वैशिंग के लिए जाइए और प्रतिशोध को ही अपना आधार बनाइए कि प्रतिशोध के कारण पत्नी ने ये मामला दर्ज कराया है। और साथ ही साथ इस मामले को रूलिंग के तौर पे अपने मामले में जरूर लगा दीजिएगा, इससे आपका सफलता मिलने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।